मिशन शक्ति फेज 3 को संचालित किए जाने हेतु आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन ने उद्घाटन किया, जिसका सजीव प्रसारण पंचायत सभागार में दिखाया गया। माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश के 75 जनपदों से आई 75 महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य करने पर मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मानित किया गया और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 1.5 लाख पात्र बालिकाओं को अनुदान राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण तथा बदायूं में वीरांगना अंबतीबाई बटालियन के प्रांगण का शिलान्यास किया गया। जनपद मुरादाबाद में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के उद्बोधन के पश्चात पंचायत सभागार में महापौर विनोद अग्रवाल, DIG पुलिस शलभ माथुर एवं जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह के कर कमलों द्वारा जनपद की 75 महिलाओं को पुरस्कृत किया गया तथा मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 75 महिलाओं को मिशन शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैसा कि विदित है, यहाँ पर आज मिशन शक्ति का फेज 3 का लॉन्च हुआ है आज 21 तारीख को और कल रक्षाबंधन है। और मिशन शक्ति के फर्स्ट और सेकेंड फेज के अंदर काफ़ी अच्छे कार्य किए गए थे। स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो मिशन शक्ति फेज 3 में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है कि जो महिला हमारी अधिकारी हैं, महिला कांस्टेबल्स हैं, उनको बीट के अंदर भेजा जाए, उनकी बीट आवंटित की गई है। और ख़ास तौर से ये माना जाता था कि महिलाएं जो हैं ऑफिस वर्क में यहाँ पर ज़्यादा और डिप्लॉयड हैं, उनको प्रयास करके हम लोग बीट में भेज रहे हैं ताकि उनका और रोल बढ़े, महिला संबंधी अपराधों के अंदर और सजगता आए, संवेदनशीलता आए। महिला संबंधी अपराध जो विगत वर्षों में हुए हैं उनकी समीक्षा की जा रही है, उसमें क्या क्या और हम लोग को निरोधात्मक कार्रवाई करनी है, एंटी रोमियो स्क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग और विभिन्न अभियान इसके अंदर किए गए हैं। साथ साथ जो हमारी महिला पुलिसकर्मी हैं उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको और बेहतर करने का प्रयास हम लोग के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा एक बृहद प्रोग्राम जो है ये चलेगा और निरंतर रूप से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और प्रयास हम लोग का यही है कि जो महिला शक्ति अभियान, मिशन शक्ति अभियान की जो थीम है, जो उसको महिला सुरक्षा, महिला स्वावलंबन, इसको हम लोग पूरा करने के अंदर सफल रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, पंचायत भवन सभागार में मिशन शक्ति 3 के तहत आज ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मिशन शक्ति के तहत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन को लेकर के कार्यक्रम किया जा रहा है और अभी ये जो फेज 3 है 31 दिसंबर तक चलेगा। इसमें लगभग 28 डिपार्टमेंट हमारे जुड़े हुए हैं और जो भी हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट के द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन संबंधी जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन सबको इससे जोड़ करके नारी शक्ति के मन में विश्वास पैदा करना, उनको अपनी सुरक्षा का एहसास होना और अपने ऊपर खुद स्वावलंबित होना, इसको लेकर के हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। और मिशन शक्ति फेज 1 और फेज 2 की सफलता से उससे सबक लेते हुए हम लोगों ने ये फेज 3 राज्य सरकार के निर्देश पर शुरू किया है और ये कार्यक्रम अनवरत चलते रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जनपद की नारी शक्ति इस कार्यक्रम के बल पर और अधिक मजबूत होकर सामने